जय गुरु जी। मई का महीना चल रहा है और आज वही 16 तारीख है जिस दिन मुझे गुरुजी ने 16 मई 2007 को फोन किया। मुझे अभी भी रिमेंबर है, इस डेट को मैं कभी नहीं भूल सकता। अभी मैं सत्संग कर रहा था, सत्संग करते करते मेरे ये दिमाग में आया, जब सत्संग चल रहा था तो 4 मई 2007 को हम लोग गुरुजी के पास आए। तो जैसे ही मैं आया, गुरुजी ने मुझे कुछ काम बोला हुआ था कि जलंधर जाना है और जलंधर जाके ये कारपेट डिस्ट्रीब्यूट करके आना। मैंने गुरुजी, मैं अहमदाबाद में मेरी पोस्टिंग थी, मैंने गुरुजी को बहुत बार बोला, गुरुजी मैं किसी को भेज देता हूँ, अक्षय चला जाती है, डिम्पल चली जाती है, या मेरा ब्रदर बाकी डिस्ट्रीब्यूट करके आया था, बट गुरु से ना, तू ही जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आना है। तो 4 मई 2007 को जैसे ही मैं गुरुजी के पास हम लोग आए तो गुरुजी कहते हाँ की प्रोग्राम। मैंने कहा गुरुजी मुझे ना जलंधर जाना है, तो ऐसे ऐसे वो आपने ड्यूटी लगाई हुई है, वहाँ पर जाना है। गुरु जी कहते नरेंद्र तेरे को गुरुआ लिए टाइम है नहीं, तो जलंधर जा। मैं कहा नहीं गुरु जी, वो मंदिर भी आपका है, ये मंदिर भी आपका है, जहाँ आप बोलोगे मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ, 4 दिन के लिए आया हूँ। नहीं से नहीं, जलंधर जा, जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आ। तो हूँ की प्रोग्राम कदों आएगा? तो मेरी नॉर्मल महीने में 1 या 2 बार मेरी मीटिंग दिल्ली में होती थी। तो गुरु से की प्रोग्राम है, गुरु जी 15 या 16 तारीख के आसपास मेरी मीटिंग होगी दिल्ली में और मैं आऊँगा। तो गुरुजी कहते फिर मेरे को ले आके जाई। मैं कहा ठीक है गुरुजी, माथा टेक के जाऊँ। बाई चांस ऐसा हुआ कि मीटिंग उस महीने में हुई नहीं, तो मीटिंग नहीं हुई, 15 तारीख निकल गई। 16 तारीख की दोपहर को तकरीबन मेरे ख्याल से 3:30 बजे गुरुजी का फ़ोन आता है, नरेंद्र तू आया ही नहीं। तो मैंने जैसे ही गुरुजी का फ़ोन आया, गुरुजी को पैरी पहना किया, प्रणाम किया, तो गुरु कहा नरेंद्र तू आया ही नहीं। मैं कहा गुरुजी मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसलिए नहीं आ सका, मीटिंग ही नहीं ऑर्गेनाइज हो सकी। तो नहीं से नरेंद्र तू तो बड़ा मैनेजर बन गया, तेरे कोले गुरुआ कोले कितने टाइम। मैं कहा नहीं नहीं गुरु जी ऐसी बात नहीं है। कहते कमले अज तेनू गुरु बुला रहे हैं, तेरे को टाइम है नहीं, कल तेरे को टाइम होगा, असी पता नहीं कितने बैठे होना है। मैं कहा हैं जी गुरु जी। कहते साडा की है, असी इंडिया छड के लंडन जाके बैठ जाइए, USA जाके बैठ जाइए, कनेडा जाके बैठ जाइए। तो एक मिनट चुप कर गए, फिर कहते कमलिया तेरे गुरु ने ऐ चले जाना जिमें हत्थां दे विचों रेत जाती होंगी है, पता भी लगना कदों चले जाना असं। तो मैं फिर एक मिनट चुप रहा, मैं कहा हाँ जी गुरु जी की कह रहे हो? कहते कमलिया बस नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इमीडिएटली उन्होंने बात को फ्लिप कर दिया। तो मेरे ख्याल से 16 मई से लेके, तो कहते ये मौका तेनों बार बार नहीं मिलना, जितनी जल्दी मौके को ले सकते हो, मौका गुरुआ नूं मिलने का छड्डी दा नहीं हुंदा। तो मेरे ख्याल से 16 मई से लेके 26 मई 2007 तक मैंने सोके नहीं देखा, 11 से 12 दिन मुझे नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी। तो ये होता था कि 1 या 2 घंटे बड़ी मुश्किल से नींद आती थी, कि पता नहीं जैसे तूफान से आने से पहले कि कुछ ना कुछ शांति है, कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया कि शायद हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, किसी और चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। देन फिर मेरे जो मेरे साथ क्लिक थे वो भी गुरुजी को मानते थे, धनी से आप एक काम करो, आप ना दिल्ली चले जाओ गुरुजी के पास माथा टेकने के लिए। अब लास्ट डेटों पे मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर भी मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया, मैं कहा मुझे ऐसे ऐसे दिल्ली जाना है। धनी से कि तू लास्ट डेटों पे क्यों जा रहा है? मैं कहा सर वैसे ही है, सच बताऊँ मुझे गुरुजी का मिलने का मन करता है। मैं करा के सारा प्लान चेंज किया, सब कुछ करने के बाद मैं 26 को पहुंच गया, बट लेट बहुत हो चुका था रात को। तो मैं गुरुजी के पास 27 को संडे था, उसमें बड़े मंदिर चला गया दोपहर में। तो बड़े मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मैं ऐसी पीछे गेस्ट हाउस में लेटा हुआ था, तो 6 बंदे एक पूरी मार्बल की सील को उठा के लेके जा रहे थे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कहा गुरु जी अगर आपको कुछ हो गया तो इस मंदिर में कोई काम नहीं होगा, कि मैंने 2 बार सोचा वहाँ बैठे बैठे। इमीडिएटली मैंने अपने आप के थप्पड़ मारे 2, गुरुजी ने कहाँ जाना है? मैं क्या आज मेरा दिमाग सोच क्या रहा है कि गुरुजी ने क्यों चले जाना है, सोच भी नहीं सकते आप तो इस चीज़ के बारे में। तो फिर मैं शाम को मंदिर गया गुरुजी के पास, जैसे ही पहुँचा गुरुजी डेस्क पर बैठे हुए थे। तो जैसे ही जाके मैंने माथा टेका, देन इसे तू किवें आ गया, तेरी तो क्लोजिंग चलती हुंदी है, तू तो आंदा नहीं हैगा। देन मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी बहुत मन उदास था, माथा टेकन दिल कर रहा, बढ़िया किया तू भी मत्था टेक लिया। उन्होंने वर्ड तो बोल दिया लेकिन वो चीज़ बाद में जाके पता लगी उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो ये जो प्लानिंग हम लोग, कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी ने चोला क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, ये पूरी प्लानिंग उनकी की हुई थी, एक एक चीज़ की प्लानिंग थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वो महाशिव हैं, वो एक एक चीज़ को प्लान लेके चलते हैं, हम उनकी प्लानिंग को नहीं समझ सकते।
हम लोग सोचते हैं कि शायद गुरुजी को किसी ने कुछ खिला दिया। कई संगत के फोन आते हैं, गुरुजी को ये हो गया, गुरुजी को कुछ नहीं हुआ था। ही से कमलिया, गुरु ने अपनी मर्जी ना आना, अपनी मर्जी ना आना, रब कदे किसी के कंट्रोल च नहीं आता हमारा। तो गुरुजी को हम समझ ही नहीं सकते, वो हमेशा एक ही चीज़। जैसे एक दिन दिवाली पे बैठे थे, दिवाली पे बैठे बैठे हंसने लगे, रात को 20-21 लोग बैठे। तो कहते जदों बहुत कम सत्संग करते थे, इनफैक्ट 27 मई को गुरुजी रात को सत्संग कर रहे थे, मेरे ख्याल से 35 to 40 मिनट गुरुजी ने सत्संग किया। बिट्टा आया हुआ था पंजाब से, बीजेपी के, और बैठे थे, उसने कुछ छोटी सी बात छेड़ी। देन ही से दिल्ली दे लोग कंधा च टक्करा मारन गए, जदों असी चले जावांगे। इन्हां नूं पछा पता ही नहीं लग्या कि रब की चीज़ हुंदी है। रब आया सी, महाशिवते आया सी, ते पहचान नहीं सके। तो गुरु जी को समझना बहुत मुश्किल था, जितना मर्जी हम लोग बोलते। हाँ, वो पूर्ण परमात्मा है, कहीं नहीं गए, आज भी हमारे साथ हैं। तो मैं कुछ गुरु जी के सत्संग किए हुए, मैं दो तीन या तीन सत्संग गुरु जी ने जो मुझे खुद सुनाए, मैं वो सत्संग जरूर शेयर करूँगा। तो गुरु जी एक दिन बैठे थे, तो कहते मेरे पास जलंधर में एक बार कोई संत आया। उस संत ने आके जैसे ही मुझे पास माथा टेका, तो मैंने चाय प्रसाद मंगवाई। कहते अपने को तो दो ही चीज़ें होंगी ने, चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद, तीसरी चीज़ मैंने कभी किसी के लिए दी नहीं है, क्योंकि इसी में आपकी ब्लैसिंग है। तो इसके बिना कहीं ना मैंने दागा दिया, ना विभूति दी, ना तबीयत दिया कभी, क्योंकि मैं इन चक्रों से निकालने के लिए आया हूँ। आप सारी सारी संगत को बहमा चो कड्ढन लिए आया वहाँ कि भगवान को इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती। तो कहते ऐसी वो संत ने आके मुझे बहुत बुरा भला बोला। कहते मेरी एज उस समय 32 या 34 साल की होगी। तो उसने मुझे बोला कि छोटी सी तेरी एज है और तूने दुनिया को पीछे लगा के रखा हुआ है। तो गुरुजी ने अपनी बुराई खुद की उस दिन। तो कहते उस संगत, उस साधु ने मुझे बहुत बुरा भला बोला। तो मैंने उनको बोला कि आप चाय प्रसाद पियो और चलो। कहते नहीं, तूने दुनिया, तूने लोगों को पीछे लगा के रखा हुआ है। तू बोलता मैं शिव जी का अवतार हूँ, मैं गुरु नानक देव जी का अवतार हूँ। गुरु जी कहते मैंने किसी को बोला मैं शिव का अवतार हूँ? मैंने किसी को बोला। संगत बोलती है मुझे आप में शिव नजर आते हैं। मैं कहा भाई तू शिव कहला, तेरे में गुरु नानक नजर आते हैं तू गुरु नानक कह ले, तेरे में कृष्ण जी नजर आते हैं तू कृष्ण बोल ले, तेरे में साईं बाबा नजर आता है तू साईं बोल ले। मैंने तो किसी को नहीं बोला, तू क्या बोलना चाहता? जिसको जो नजर आता है वो मुझे बोल देता है। तो गुरु जी कहते मैंने फिर बोलिया चाय प्रसाद पियो तो चलो। कहते उन्होंने फिर मैंने कहा तेरी छोटी जी उम्र है, तू दुनिया को पिछे ला के खुदू बना के रखा गया। गुरु जी कहते चाय प्रसाद पियो तो चलो, मैं किसी ने कुछ नहीं कहता। तो कहते तेनू, वो संत बोलने लगे तेनू पता है मेरी उम्र किन्नी है? तो गुरु जी कहते जी मैं किसी उम्र तो की लेना वै। कहते नहीं, तेनू पता होना चाहिए मेरी उम्र किन्नी है। तो गुरु जी कहते अच्छा दसो किन्नी उम्र है? कहते मेरी उम्र 330 साल की है, 330 ईयर्स। गुरु जी कहते मैं उन्होंने कहा बड़ी लंबी उम्र है। तो वो हंसने लगे, कहते तू तो मेरे पूरे बच्चा। गुरु जी कहते हाँ जी, मैं तो आपके सामने वाकई बच्चा हूँ, आपकी एज तो बहुत बड़ी है। तो गुरु जी कहते चाय प्रसाद पियो तो चलो। कहते तेनू पता है मेरा सारा खाना पीना सचखंड के बीचों आता। वो संत बोल रहे थे। गुरु कहते धन भाग जी। कहते गुरु कहते मैंने ऐसे हाथ जोड़ा धन भाग। कहते मालक भी अपनी लीला करता होंगे, मालक ने लीला करनी होंगे ने। तो कहते जैसे ही उसने फिर बोलने लगा, कहते गुरु जी, कहते गुरु जी को उसने बोला कि मैं तुझे तब उस पूर्ण अवतार का अंश मानूंगा अगर तू सचखंड से दूध मंगवा के पिलवा दे। गुरु जी कहते तेरा सारा खाना पीना सचखंड चो आता है, फिर भी दुध की डिमांड है। गुरु जी कहते मैंने ऐसे हाथ किया, चांदी का ग्लास प्रोड्यूस किया और उसमें 14 तरह के फ्लेवर छत के बीच में से प्रोड्यूस करके ऐसे जैसे धाराएं आके गिरती हैं, सारी आके उस गिलास में इकट्ठी होनी शुरू हो गई। तो जैसी धाराएं इकट्ठी होनी मैंने उनको टेस्ट करने के लिए दिया। कहते उसका वाकई खाना पीना सारा सचखंड से आता था। जैसे ही उसने वो दूध को पिया वो समझ गया कि ये एक छोटी शक्ति नहीं है। कहते मेरे चरणों के मुद्दा पै गया, कहते मेरे पैरों में मुद्दा पै गया। कहते मैं उन्होंने कहा कमलिया उमरां च नहीं जाइदा हुंदा, कमाइयां दे विच जाइदा हुंदा है। अज मैं इन्ना खुश बैठा सी, जे तू मैनू कहिंदा मैनू मोक्ष दे दो, अज मैं तैनू मुक्ति दे दिंदा। कहिंदे 330 साल हो गई, सारा खाना पीना सचखंड दे विचों आंदा है, हजे भी तृष्णा चीज़ों के फसी हुई है। अपना चीज़ों के बिचों नहीं ची तृष्णा कढ़ सकते। गुरु कहते एक लिमिट होंगी है गुरु तो मंगन की, अपना वो लिमिट नहीं खत्म करते रब तो मंगन की। जिस दिन वो लिमिट खत्म होगी हम भगवान को पा लेंगे। कहते मैंने क्या कमलिया उम्र च नहीं जाइदा हों, कमाइया के जाइदा हों, जिन्हों तुम गुरु जी का अवतार संगत मैंने कहती है ना, एक अख ब्लिंक कर देवा इसे हाफ सैकेंड, एक मिनट में 1000 अवतार ले आना। किस अवतार को प्यार करोंगे? लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी,
शरीर नाल प्यार नहीं करीदा हुंदा, रूहां नाल प्यार करीदा हुंदा है। जे उन्ना गुरु नाल कनैक्शन बनाओ कि गुरु आपके पास किसी भी रूप में निकल जाए, वो संगत के रूप में भी आ सकता है, वो किसी बैगर के रूप में भी आ सकता है, वो किसी एनिमल के रूप में भी आ सकता है, कुत्ते के रूप में भी बन के आ सकते हैं। क्यों? रब तो सब च वसदा है। कहिंदे रब तुहानू परीक्षा लैण पिछे तुहाडे कदे भी आ जांदा। कहिंदे इसलिए लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी, शरीर नाल प्यार नहीं करीदा, रूहां नाल प्यार करीदा हुंदा। तो ये गुरु जी ने तो हमको बहुत चीज़ें समझाई, लेकिन हम उन चीज़ों से कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तो गुरु जी कहते थे जरूरी नहीं हुंदा कि आप मेरे साथ मेरे पास आओगे, मंदिर में आओगे, सत्संग में जाओगे, तभी मैं तुम्हें मिलूंगा। रब तुहानू ब्लैस करने पिछे तुहाडे करे जांदा। तो एक दिन ऐसी मैं अहमदाबाद में था, तो गुरु जी मुझे संगत के सत्संग सुनाते रहते थे। चलता है जहां साइंस फेल हो जाती है और जहां मेडिकल फ्री हो खत्म हो जाता है, उत्थे तेरे गुरु का काम शुरू होता है। मैं वहां पे प्रूव करता हूं रब बैठा है, सुपर पावर है, सुपर पावर कहीं नहीं गई। तो कहते हो जैसी आंटी की फ्रेंड उसके मेरे पास लेके आई, तो उसने आके माथा टेका, तो गुरु कहते बहुत संगत है नरेंद्र, पुराने कनेक्शन होते हैं, सबके अपने अपने कनेक्शन है। तो जैसी आके आंटी ने माथा टेका, तो मैंने आंटी को बोला आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं। तो गुरुजी बहुत रेयर सत्संग होते संगत होती थी जिनको कभी कभी गुरुजी बोलते थे सेकंड टाइम मिल रहे हैं। तो जैसी आंटी ने माथा टेका, कहते आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं, कहते मैं नरेंद्र उन्होंने क्या, कहते उसने मुझे बोला मैं प्योर नास्तिक हूँ, मैं आज तक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं गई। तो किसी संतों को माथा टेकना तो बहुत दूर की बात होती है, हमारे कोई प्रॉब्लम आती है हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारा जिसको हम धर्म को मानते हैं वहाँ पर जाएंगे, संतों के पास उसके बाद जाएंगे। तो कहते आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं आपा। तो उसने फिर मना किया गुरु जी को, जब गुरु कहते महापुरुषों के तीन वचन होंगे ने, मैं तीन ही बार मांगने के लिए बोलता हूँ, तीन ही बार तुम्हें समझाने के लिए बोलता हूँ, जो लै गया लै गया, जो रह गया सो रह गया। कहते मैं आंटी ने तीसरी बार मुझे मना किया, तो मैंने आंटी के सामने एक लाइव टीवी चला दिया। कहते नरेंद्र जो मैं संगत को याद करवाना होता है तो मैं उसके सामने लाइव टीवी चला देना, उसको वो सारा चीज़ें रिमाइंड करवा देता हूँ जो मेरे और उसके बीच में आई। गुरु जी कहते आंटी आज तो 20 और 22 साल पहले बॉम्बे बोरीवली इस अपार्टमेंट से तेरा नाम सी, इतने रहती सी, इस फ्लोर ते तू रहती थी, इसे फिफ्थ फ्लोर और सेवन्थ फ्लोर रहती सी आंटी। तो उसको सारा को रिमेंबर हो गया। कहते आंटी तेरे करे मैं भीख मंग के आया वे हाँ, जो मैं जाके तेन किया सी आंटी कुछ खाने नू दे दे, कुछ पीने नू दे दे, तू सेवन्थ फ्लोर पर रहती थी या फिफ्थ फ्लोर पर रहती थी, मैंने जाके जब तेरे से मांगा तो तूने क्या बोला, हट्टा कट्टा कमा के नहीं खा सकता, क्यों आंटी याद आया, मैं तेनू क्या सी कि पानी का गिलास भी पिला दे, तूने मना कर दिया था। कहती उसको सब कुछ याद आया। कहती हाँ जी गुरु जी, पर गुरु जी आप नहीं थे, जो मेरे पास आया था वो 6 सवा 6 फुट का था और उसकी बहुत ही बॉडी हेल्दी थी और उसने जटाएं थी उसकी और उसके रस्सियाँ बांधी हुई थी पेट के ऊपर। कहने आंटी मैं तेरे घरे गया सी, क्यों तेरे पिछले जन्मों के कर्म इन्ने चंगे सी, रब नू तेरे घरे जाना पै गया तेनू ब्लैस करने पिछे, तेनू मेरे को आन की लोड़ नहीं पैनी सी, जे तू मैनू एक बिस्कुट भी दे देंदी, एक पानी का गिलास भी दे देंदी, तो मैं तेनू ब्लैस कर देना सी। जड़ा 20 तो 22 साल तू भुगतान किया अपनी बीमारी का, वो तू अपने पिछे गया, लेकिन पिछले कर्मों की बदौलत रब का तेरे घरे तेनू ब्लैस करने पिछे गया, तू नहीं करवाया तेरी मर्जी। कहते तू कमलीए ये नहीं सोचा मैं 7वीं फ्लोर पर रहनी हाँ, मेरी गेटड सुसायटी है, उत्थे कोई भीख मंगन वाला किमें आ सकता वै, ये तो तेने दिमाग ही लाया, तू मैनू कह के भेजता। कहिंदी आंटी अज तू आ गई आपां तेरियां बीमारियां कट दियां। तो गुरु जी से नरेंद्र रब तो संगत नूं घरे ब्लैस करन पिछे जांदा है, रब नूं किते रब कोले आण दी लोड़ नहीं पैंदी, बस अपने कर्मां नूं चंगा करना सीखो, अपने कर्मां नूं क्लीन करना सीखो कि उह किवें करना। जिवें जदों भी गुरु जी ना जुड़े तो गुरु जी एक चीज़ कहते हैं जिन्नी बार भी कहना मंगी का नहीं हों मनी का हों, मंग के अपने गुरुआं नूं छोटा नहीं करीदा, जिदे कोले कुछ होएगा वह देगा, जिदे कोले कुछ होएगा नहीं वह देगा। कि ही से गुरु की ब्लैसिंग दो तरफ की चलती है, एक इंस्टेंट ब्लैसिंग और एक लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग। 99.5% लोग इंस्टेंट ब्लैसिंग लेके ही खुश हैं कि मैं गुरु जी के पास आ गया और मेरा काम हो जाए। 0.5% वो हैं जो गुरु पे विश्वास करते हैं कि जदों गुरु की मौज होएगी गुरु मैनू उदों ब्लैस कर देगा। तो गुरु जी कहते देख चाह दो तरह की बनती होंगी, एक पानी को उबालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो,
दूध डाल दो, एक उबाला दे के रख दो, फिर एक पानी को अच्छी तरह उबालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डाल के उबालो, अच्छी तरह उबाले देने के बाद दूध डालो, फिर उसको उबाले दो, दोनों चाय के बीच में टेस्ट में फ़र्क होता है। सेम गुरु की ब्लैसिंग होती है। तो एक इंस्टेंट ब्लैसिंग जो गुरु से ज़बरदस्ती लेते हैं हम लोग, आके डिमांड करते हैं। गुरु कहता मैं महाशिव हूँ, महाशिव से जो भी मांगोगे मैं किसी को मना नहीं कर सकता, चाहे वो अच्छा मांग लो चाहे बुरा मांग लो, आपको अपने कर्मों का भुगतान खुद करना पड़ेगा आगे जाके। और एक होता है लॉन्ग टर्म, एक गुरु अपनी मर्जी से देता है, खुश होकर देता है, वो इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी आपके साथ चलती है। तो कहते इसलिए गुरु को भी टाइम देना सीखो। हम जाते हैं गुरु के पास, चाहते इमीडिएटली गुरु जी के पास पहुँचे और मेरे सारे काम हो जाएं, गुरु को भी तो टाइम देना सीखो। ही से बहुत टाइम, जैसे हम लोग सत्संग सुनाते थे तो मैं भी यही सत्संग सारी संगत को सुनाता था, जो भी पुरानी संगत थी सब यही सुनाती थी। तो एक दिन दिवाली का दिन गुरु जी के पास हम लोग एम्पायर सेट में थे, हार्डली मेरे ख्याल से 7:30 या 8 बजे का टाइम होगा, हार्डली 4 या 5 लोग थे हम लोग। गुरु जी डेस्क के ऊपर बैठे थे और मैं गुरु जी के मुक्की मार रहा था वहाँ पे खड़े खड़े, कहते देख नरेंद्र रब इत्थे बैठा है, लोग मिट्टी दी मूर्तियां दी पूजा करते ने करे, लोग मिट्टी दी मूर्तियां पूजते फिरते ने, रब इत्थे बैठा वै, कहते आप रब नूं तां मनाना है दिवाली ते, कहते लोग हुण 9 बजे फ्री होके कहणगे, दिल्ली दे लोग की कहणगे चलो पूजा होगी, चलो जाके गुरु जी को लंगर ही करे आने, गुरु जी का लंगर बनाई बैठे ने, हाँ भाई गुरु तां वेला है कहते लंगर बनवाण नूं, कहते कमलो ये मौका मुड़ के नहीं मिलना, जिहड़ा दिवाली रब ना मना लोगे ना ये मौका मुड़ के नहीं मिलना। तो मुक्की मुक्की चलती रही, मैनू कहंदे नरेंद्र गुरु तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा, क्यों मनीदा हुंदा। तो मैंने 3 या 4 चीज़ें बोली, नहीं नहीं गुरु जी बिना मांगे सब कुछ देते हो, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये किया वो किया, यानी इसे लॉजिक क्या है, गुरु जी के साथ कोई लॉजिक नहीं चलता, गुरु अपने आप में बहुत बड़ा लॉजिक है, आप जितना उसमें घुसोगे उतना आप अंदर घुसते चले जाओगे। मैं कहा गुरु जी आप ही बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता, धनी से मैं तेन को सत्संग सुनाना क्यों नहीं मंगीदा होंगे। जब हम गुरु से फोर्सफुली कोई चीज़ मांगते हैं उसकी लाइफ शॉर्ट होती है, वह भुगतान अपन खुद करना पैंता, कोई नहीं भुगतान करता। कहते मैं जो BA पार्ट 1 के मैं मलेरकोटला अपने प्रोफेसर साहब के यहाँ पे घर पे रहता था, दुगरी भी जाना उनके घर पे भी रहना, उन प्रोफेसर साहब से मेरा इतना प्यार था जस्ट लाइक ए फादर एंड मदर, कि वो भी मुझे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। तो मैं अंकल और आंटी दोनों के बीच में, प्रोफेसर साहब और उनकी वाइफ के बीच में जाके सो जाता था, इतना प्यार था मेरा उनके साथ। क्यों? मैंने उनको BA पार्ट 1 में वो चीज़ें दिखा दी थी कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैंने अपनी पूरी फुल फ्लैज पावर उनको दिखा दी थी, मैं कितनी बड़ी पावर हूँ। कहते लेकिन रब नू भी एक गुरु धारना पैंदा है, रब भी धरती पर आंदा, रब नू भी एक गुरु बनाना पैंदा। मैंने भी जो टीचर होते हैं वो आपके गुरु होते हैं, तो वो मेरे गुरु थे। यदि आज की डेट में गुरुओं की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे टाइम पे टीचर की वैल्यू होती थी, टीचर गुरु होते थे आपके, तो वो मुझे गुरु जी बोलते थे, मैं उनको गुरु बोलता था। तो मैंने BA पार्ट 1 में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम उनको दिखा दिए थे, फाइनल ईयर में जो एग्ज़ाम आएगा कॉलेज की ये रैंकिंग आएगी, मेरी रैंकिंग ये आएगी, सब कुछ मैंने उनको दिखा दिया था। तो आपस में चलते रहते थे, मुझे गुरु जी मैं उनको गुरु एक दूसरे को बोलते रहते थे। कहते एक दिन मैं खाना खाने के लिए आया, जैसे ही मैं खाना खाने के लिए मैं वहाँ पहुँचा तो आंटी बेड़े में बैठ के खाना बना रही थी, सर्दियों के दिन थे, तो आंटी ने मेरी बाजू पकड़ ली खाना खाने के बाद, कहती गुरुजी का नाम लेके बोला देख निर्मल तू सब कुछ कर सकता है, मुझे मालूम है तेरे में बहुत बड़ी पावर है, तू पूर्ण अवतार है, तो मुझे एक बेटे की दात बख्श दे। उनके एक ही बेटी थी गुरुजी, कहते मैं क्या आंटी की करना है, मैं तुहाडा मुंडा, कहते जिहदा रब मुंडा बन जावे उन्होंने अगे किसी चीज़ की लोड़ नहीं होंगी, क्यों सृष्टि का मालिक तुहाडा बेटा तुहानू अपने माँ बाप बना रहे। कहते नहीं नहीं मुझे चाहिए जो हमारे वंश को आगे चला सके, प्रोफेसर साहब के वंश को आगे चला सके। तो गुरु जी कहते मैं उन्होंने कहा आंटी केड़ा वंश, तेरे प्यो का नाम की, ये उसके बाप का नाम क्या, ये उसके बाप का नाम पता नहीं, उसके बाप का नाम पता नहीं, तो कौन सा वंश, वंश तब तक है जब तक हम लोग बैठे हैं, जब हम ही चले गए कौन सा वंश किसने देखा। कहते आंटी मैं तेरा मुंडा बन गया की करना है, नहीं नहीं गुरुजी मुझे प्रोफेसर साहब के ब्लड का बेटा चाहिए जो हमारे खानदान को आगे चला के। तो गुरुजी कहते मैंने उनको समझाया आंटी फोर्सफुली नहीं मांगनी चाहिए चीज़ें गुरुजी से, रब उन्हें भी टाइम देना सीखो, तेरे कर्मा च मुंडा है नहीं ना मांग। तो गुरुजी कहते मैंने 3 दाने मंगवाए, एक मक्की का, एक कनक का और एक सरसों का। कहते मैंने अपने नाखूनों के ऊपर रखे और पौधे खड़े कर दिए, नाखूनों के ऊपर रख के
पौधे खड़े कर दिए। गुरु जी कहते कहते मैं आंटी नूं कहा, आंटी मैं बंजर धरतियां नूं द्वारा हरियाले हरे कर सकदा वां, सुक्कियां होए ब्रिक्शां नूं हरे कर सकदा, नौहां दे उत्ते ब्रिक्ष खड़े कर सकदा, लेकिन आंटी तेरे कर्मां च मुंडा है नहीं, मेरे तो मुंडा ना मन। कहते उसने इतना फोर्स मुझे कर दिया कि जो मर्जी कर लो, आज जब तक आप मुझे बेटे की दात नहीं बख्शोगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। गुरु कहते कई बार भगवान इतना मजबूर हो जाता है, उन्हें देना पैंदा। मुझे मालूम था कि इसका भुगतान खुद आंटी को हमें करना पड़ता है, संगत को करना पड़ता है, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूँ, क्या करूँ, मेरे भी हाथ बंधे होते हैं। तो कहते जब नहीं मानी आंटी को, मैंने बोला आंटी जा मुंडे की दात नूं ब्लेस कीती, तो आंटी खुश हो गई। उनको मालूम है जो इन्होंने बोल दिया वो तो पत्थर पे लकीर है, तुसी मेरे चेले हो, आज मैं जो आपसे बात बोलूँगा वो आप किसी से नहीं बोलोगे, ये प्रॉमिस करो, अगर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मेरा और आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। गुरु कहते जदों मैं उन्होंने कहा, कहना प्रोफेसर साहब ने मुझे कहते हंसन लगे ने कॉल देता कि जो मर्जी कर लो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कहते हस्बैंड अपनी वाइफ से, वाइफ अपने हस्बैंड से कोई भी चीज़ नहीं छुपा सकती। हम टुकड़ों में बता देते हैं एक दूसरे को, कोई भी पर्सनल चीज़ भी होगी ना टुकड़ों में बताना शुरू होंगे, 5% 10% करके कभी ना कभी उनको बता देंगे। तो कहते जब वो उन चीज़ों पे लगी रही तो मैंने प्रोफेसर को बोला देखो आपके कर्मों में बच्चा नहीं है, लेकिन आज जबरदस्ती आंटी ने बेटे की दात मेरे से ले ली है। हूँ जो प्रोफेसर साहब मैं आपको बात बोलने वाला हूँ आप वो आंटी को भी नहीं बताओगे, जो मर्जी हो जाए। कहते उन्होंने वादा किया मेरे से। कहते मैंने उनको बोला अंकल प्रोफेसर साहब जो तुहाडे बेटा होएगा उहदी उम्र 12 साल दी होएगी, 11वां बर्थडे सैलीब्रेट चल हो रहा होएगा, 11वां बर्थडे सैलीब्रेशन हो रहा होएगा, हरबंस सिंह रागी की ये शब्द चल रहा होएगा और तुहाडे बेटे की डैथ हो जाएगी। तो मैंने गुरी कहते नरेंद्र हजे तो बच्चे की नींव भी नहीं रखी, अपा ने कमरे की नींव भी नहीं रखी, अपा का ढैन का भी दसता कि घर बनने से पहले टूटना कब है, कहते अभी तो घर की नींव भी नहीं रखी गई। कहते क्यों, रब न सब कुछ पता है। कहते माँ के सामने अपना एड्डा बड़ा जवान पुत चलिया जाए सारी जिंदगी माँ नहीं भुल सकती। कहते प्रोफेसर साहब कहते ठीक है जी मैं अपनी वाइफ को नहीं बताऊँगा। कहते देख बच्चा होया, 11वां बर्थडे पूरा होया, 12वां बर्थडे जो ही सैलीब्रेशन होने लग गया गुरु ग्रंथ साहब का पाठ उन्होंने घर रखा गया सी और हरबंस सिंह रागी का उही शब्द चल रहा सी जो मैं उन्होंने कहा सी, और दुध का प्रसाद जो गुरु ग्रंथ साहब को अपना लाया वो दुध पीन लग गया बच्चे की एट द स्पॉट वो गले के भी अटक गया और डैथ हो गई। कहते जो तो बच्चा माँ बाप के सामने चलिया ना सारी जिंदगी आप बच्चे ने भुल नहीं सकते, मैं पता सी ये चीज़ होनी है और सारी जिंदगी तुम उन्होंने भुल नहीं सकते। कहते कितना मुश्किल होंगे सोचो। कहते 2002 दे विच जदों मैं दोबारा जलंधर गया, कहते मैं प्रोफेसर साहब नूं कहा अंकल अज अपनी आंटी नूं सुनाओ महापुरशां तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा, महापुरशां नूं क्यों मनीदा हुंदा। कहते अज आंटी जे तूं जबरदस्ती मेरे तो ना करदी अज तू अपनी 12 साल के बच्चे कोई याद ना करती। मैनू पता सी कि मैनू एक सोल लिया के देनी पई, अदरवाइज तुहाडे कर्मां दे विच तां बच्चा है नहीं सी। कहते वो सोल भी मैनू जबरदस्ती लिया के देनी पई। तो ही से गुरुआ ते विश्वास करना सीखो, असी लोग गुरु ते विश्वास नहीं करते हैं, असी लोग कहने गुरु जी को गए और गुरु जी साडा सारा काम इमीडिएटली कर दे, गुरु को भी तो टाइम देना सीखो, गुरु नू भी टाइम देनी चाहिदा हुंदा। कहते तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि गुरु जी तो शिव महाशिव थे ही, जितनी बारी मुझे बोलना एक ही चीज़ बोलते थे तेरा गुरु महाशिव है, ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे गुरु दे विचों निकले हुए ने, मैं एड्डी बड़ी पावर हाँ। जब मैं अहमदाबाद में होता था तो एक बार गुरु जी ने सत्संग सुनाया कि मेरे पास कोई SP सिंह या सुरेंद्र पाल सिंह कोई मिनिस्टर आया है, MP था, उसकी वाइफ को कैंसर था और शुगर थी। कहते नरेंद्र आपा चाह का कप ला के ठीक करता, कैंसर भी ठीक करता शुगर भी ठीक करती। तो मैंने गुरु जी को बोला, मैं कहा गुरु जी आप नहीं ठीक करोगे तो कौन ठीक करेगा, भगवान तो सब कुछ कर सकता है, एक चाय का कप तो बहाना है। कहते नरेंद्र संगत नहीं समझदी, संगत नूं समझाया कर तेरा गुरु की चीज़ है, तेरा गुरु एक लाइट है एक जोत है, ओम है एक ओंकार है, ना मेरी जन्म हुंदी है ना मेरी मौत हुंदी है, अपनी मर्जी ना आना अपनी मर्जी ना जानना। तो ही से ये संगत नहीं समझती, संगत को तो ये चाहिए गरम गरम हलवा खाना है, लेकिन जब गरम हलवा खाओगे तो उससे जीभ भी सड़ती है। तो
ऐसे ही गुरुजी के साथ जब मैं इनिशियली गुरुजी के पास जाने लगा तो मैंने बचपन से शिव जी को बहुत चैंट किया। मैं अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ की यात्रा में गया हूँ, पांच ही बार मैंने टोटल 5 बार गया हूँ। तो जब चौथी बार गया था तो मैं गुरुजी के पास, उस समय गुरुजी से कनेक्ट हो गए थे, तो गुरुजी बोलते थे मैं रब हाँ, मैं ही शिव हाँ, कितने जान की लोड़ नहीं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में किसी को भगवान मानना बहुत मुश्किल है, जितना मर्जी बोल लो। तो रात को 12:30 हमारी टर्न आई अमरनाथ की गुफा में, तो फ्रेगनेंस आ रही थी। मैं और मेरा ब्रदर और एक लड़का और था, वही बोल रहे थे कि यार कि कुछ फ्रेगनेंस आ रही है, तो वही फ्रेगनेंस है जो गुरुजी से चंडीगढ़ में आती है। उस समय हमें ये नहीं मालूम था कि गुरुजी में से फ्रेगनेंस ये गुरुजी की बॉडी से आती है। उस समय तो मैं ये हम लोग सोचते थे कि ये जो गुरुजी है ना, बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लगाते हैं, जो इतनी फ्रेगनेंस आती है। तो वहाँ पे जब फ्रेगनेंस आई तो हार्डली हमें 3 महीने हुए थे गुरु से कनेक्ट हुए उस समय। तो फिर उसके बाद मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ तो शिवलिंग 4.5-5 फुट का शिवलिंग है, और आपको एक मौका मिला हुआ था। क्यों ये मौका इतनी भीड़ में नहीं मिलता, जो रात को 12:30 10 से 15 लोग ही आप गुफा में हो। तो मैं जब वहाँ पे अमरनाथ की गुफा में 4.5 शिवलिंग के सामने खड़ा हूँ, 4.5-5 फुट के शिवलिंग है, तो मैं कहा गुरु जी आप हो क्या। मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, मैं कहा गुरु जी आप हो क्या, कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, कोई बोलता है मैंने 10 पातशाहियों के दर्शन किए हैं, कोई कहता है मैंने माता के दर्शन किए हैं, कोई कहते हैं कृष्ण जी के दर्शन किए हैं, कोई कहता है साईं जी के दर्शन किए हैं। तो एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई शिवलिंग के बीच में से प्रोड्यूस हुई। उन्होंने पहले उस ज्योत ने 2 फुट का दायरा बना लिया अपना, एक औरा बना लिया, उसके बीच में पहले उन्होंने शिव जी के दर्शन करवाए, फिर मुझे अपने दर्शन करवाए, फिर शिव जी के, फिर अपने। कहते कमलिया मेरे तो शिव कोई फर्क नहीं हैगा, मैं तो शिव इक्को ही रूप इक्को ही ज्योत हाँ। तो ये दर्शन दे दिए, तो औरा खत्म हुआ, लाइट जाके दोबारा शिवलिंग में समा गई। तो रात को 1:30 बजे वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं, नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं लुधियाना में, और कभी छोटा बाल रूप दिखा रहे हैं शिव जी का, कभी अपना रूप दिखा रहे हैं, त्रिशूल पकड़ा हुआ है हाथ में, कभी शिव जी का रूप, कभी बाल रूप, फिर अपना रूप, आप भी त्रिशूल पकड़ के नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए। कहते आंटी मैं नरेंद्र नु दर्शन करवाते अमरनाथ की गुफा दे विच, तू भी दर्शन कर ला, ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो विद इन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं तो भगवान हूँ, मैं ही शिव का अवतार हूँ। लेकिन हमें समझने में बहुत टाइम लगा, क्यों गुरु जी ऑलवेज से तेरे गुरु दी माया सब नो खतरनाक माया, मेरी माया विच तो ब्रह्मा विष्णु महेश माँ पार्वती नहीं निकल सके, तुसी लोग कितों निकल जाओगे, तुसी लोग तो गंदी नाली दे कीड़े हो, मैं तुहानू कचरे दे विचों कढ़न आया वहाँ। लेकिन जो कचरे का कीड़ा होता है वो कचरे में रह के ही खुश होता है, अगर कचरे के कीड़े को आप साफ पानी में छोड़ दोगे तो मर जाएगा। तो यही हम लोगों की मेंटेलिटी है, गुरु जी तो हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं, लेकिन हम आज की डेट में भी गुरु जी को नहीं समझ सकते कि गुरु जी हैं क्या चीज़, हम नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट ईयर मैं फिर उस अमरनाथ की यात्रा पे गया, बस उसके बाद मुझे कभी गुरु जी ने जाने का मौका ही नहीं दिया। मैं नेक्स्ट ईयर गया तो मैं क्या देखता हूँ, 5-6 फुट का शिवलिंग होगा, शिवलिंग के गुफा के ऊपर से जहाँ से वो ड्रॉप गिरते हैं एक वाइट रंग का स्नेक आता है और शिव जी शिवलिंग को टच करता है। मैं सबको बोल रहा हूँ जो मेरे साथ है, देखो वाइट रंग का स्नेक है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं कहा वाइट रंग का स्नेक देखो ऊपर गुफा के वहाँ से आ रहा है जहाँ से ड्रॉप गिरते हैं शिवलिंग, यानी कि शिव जी शिवलिंग बनते हैं, और शिवलिंग को टच किया वापस 2 मिनट में वापस। मैंने सबको बोला वो देखो वहाँ पे सांप आया था, कहते किसी ने कुछ भी नहीं आया, आपने पता नहीं क्या देख लिया, आप शायद इमेजिनेशन कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं बाहर आया, नीचे सीढ़ियाँ उतर गया, 50-60 सीढ़ियाँ उतरा नीचे, तो मेरे पीछे पीछे एक आर्मी वाला भागता आ रहा है। आर्मी वाले ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहते भाई साहब आपने ऊपर कुछ देखा गुफा के पास। मैं कहा जी मैंने कुछ नहीं देखा। कहते चलो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ, बाकी तो उन्होंने किसी को नहीं लेके गया, कहते आप 5 मिनट के लिए मेरे साथ चलो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही मैं अमरनाथ की गुफा के बाहर हम लोग खड़े हो गए, कहते काम करो, उसने मुझे दिखाया, कभी मैंने गुफा, मेरा 5 बार गया हूँ, मैंने कभी गुफा के ऊपर नहीं देखा। गुफा के बिल्कुल ऊपर अमरनाथ की गुफा के ऊपर एक तरफ नंदी जी बैठे हैं और एक तरफ गणपति जी बैठे हैं, और बिल्कुल गुफा के अपोजिट दुर्गा माता त्रिशूल लेके खड़ी हुई है दूसरी पहाड़ी पे। देन सेज आप एक काम करो, ये जो साथ वाली दीवार है ना, इस दीवार को एक टक टक की लगा के देखो, बस ये कोशिश करना कि आंखें नहीं झपकनी आपने। तो मैंने जैसे ही मैं कह क्या है क्या, कहते आप देखो तो सही फिर मैं आपको बात करता हूँ। मैंने उस दीवार को देखना शुरू किया, देखते देखते जैसे बस वो कहता पलके नहीं झपकनी, ये कोशिश आपने करनी। तो मैंने जैसी टक टक लगा के देखनी शुरू,
आधा मिनट तो बहुत ज़्यादा होगा, आंखें को झुकाना, 1 मिनट मैंने रोक के रखी। तो ऐसे थाली, जोत की एक थाली घूम रही है वहां पे, और सारे देवी देवता वहां पे खड़े होके अमरनाथ की गुफा की आरती उतार रहे हैं। तो जब उसको तो नहीं पता मैं क्या देख रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता वो गुरुजी ने भेजा, शिवजी ने भेजा, किस उस कौन था वो आर्मी वाला। तो ही से आपने देखा आरती घूमती हुई, मैं आपको इसलिए बुला के आया था कि आप एक बार देखो कि यहाँ पे हर जितने भी देवी देवता हैं सारे इनकी आरती करते हैं। तो ही प्रूव इट कि यहाँ पे शिवजी का धाम और शिवजी जहाँ पे रहते। तो ये गुरुजी का अपना कनेक्ट करने का तरीका था। ऐसे ही लुधियाना के पास मैं शिवपुराण के वहाँ पे है तो मैं थोड़े शिवजी के सत्संग सुना देता हूँ। तो ऐसे ही हम लोग लुधियाना के पास एक छोटा सा गांव है समराला के पास, वहाँ पे शिवलिंग अपने आप प्रोड्यूस हुए थे। तो किसी के दिल्ली के किसी बिजनेसमैन को दिखाई दिया था कि वहाँ पे खुदाई करो, वहाँ पे एक शिवलिंग है। जब उन्होंने खुदाई की, छोटा सा शिवलिंग है, इतना शिवलिंग वहाँ पे जो दिखा। तो लुधियाना से लोग लाइनों की लाइनें, हम लोग भी जाते थे, कई लोगों ने जाना, वहाँ पे जाके दूध चढ़ा के आते थे। तो एक दिन मैं डिम्पल हम लोग कार में गए तो माथा टेका, तो मेरी वाइफ कहती है काम करेंगे हम लोग भी, किस दिन मंडे को आके ना दूध चढ़ा के जाएंगे। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे की करना है, मैं तो थोड़ी है कुछ, आई मीन मंदरा मुंदरा जाईदा हूँ। तो गुरुजी ने मना किसी को नहीं किया, पर गुरुजी ने जब भगवान के पास आ रहे हो तो क्या करना है। तो फिर भी मैंने डिप्ल कहती नहीं, हम भी आएंगे, शिव जी के ऊपर है, ये समझ लो गुरु जी के ऊपर ही दूध चढ़ाने आ रहे हैं, गुरु जी तो शिव ही हैं। तो मैंने कहा हाँ हाँ हम लोग चलेंगे। अब टालना तो था, तो रात निकली, अगले दिन इसको ड्रीम आता है। तो गुरु जी पायासठ गद्दी के ऊपर बैठे हैं, संगत बैठी हुई है। हमने जाके जैसे ही माथा टेका तो डिम्पल ने एक लेटर किसी आंटी ने दी थी, उन्होंने बोला गुरु जी ये किसी आंटी ने आपके लिए एक लेटर दिया है। तो गुरु जी ने लेटर पढ़ा, उसके ऊपर सिर्फ एक सिंपल लाइन लिखी हुई थी, गुरु जी आप बोलते क्यों नहीं, बस वह कुछ नहीं। गुरु जी ने वो लेटर देखा, उसको फोल्ड किया और उठ के अपने रूम में चले गए। तो सारी संगत कहती है आंटी ने पता नहीं क्या लव लेटर गुरुजी को दे दिया, गुरुजी बहुत नाराज हो गए हैं और गुरुजी अपने रूम में चले गए हैं। हार्डली 2 या 3 मिनट के बाद गुरुजी बाहर आते हैं। गुरुजी एम्पायर सेट पे डेस्क पे बैठते हैं इंस्टेड ऑफ आसन, डेस्क पे बैठ के डिम्पल को आवाज देता है, डिम्पल आंटी उरेया। तो डिम्पल जैसी वहाँ पर जाती है तो गुरुजी के हाथ में एक 12x12 का पोर्ट्रेट है, गुरुजी की खुद की फोटोग्राफ है। वो फोटो आज की डेट में भी कहीं संगत के बीच में वो फोटो नहीं है जो इसको दिखाई थी। तो फोटो दिखाई, देखा आंटी मेरी फोटो। तो जैसे इसने फोटो देखनी शुरू की, कहते गुरुजी बहुत अच्छी फोटो है। तो चलते चलते वो अभी फोटो ऐसे इसके हाथ में ही है, तो गुरुजी देखते थे फोटो, गुरुजी की फोटो गायब होनी शुरू हो गई, सिर्फ एक वाइट पेपर रह गया वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। और तो कहते गुरुजी, कहते आंटी बोली जानी होंगे, देखी जा होंगे महापुरुष ने ब्लैसिंग। तो उसके बाद देखना शुरू किया, उसके बीच में एक गोल्डन कलर का छोटा सा ओम ब्लिंक होना शुरू हो गया। वो छोटा से होते होते पूरे वाइट पेपर में सिर्फ ओम ही ओम था, गोल्डन कलर का, और कुछ भी नहीं था उसके बीच में। तो धीरे धीरे कहते गुरु जी, कहते आंटी देखी चल नजारे फिर अज गुरुआ दे। तो उसके बीच में छोटा सा ब्लैक कलर का एक शिवलिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो गया ओम के बीच में से। तो छोटा सा शिवलिंग बाहर आना शुरू हो गया, तो ओम के ऑरा एक बड़ा हुआ बट शिवलिंग का थोड़ा साइज बड़ा होना शुरू हो गया। तो यानी कि आसपास ओम है और बीच में शिवलिंग है। तो कहते गुरु जी, कहते आंटी देख नहीं आ रहे फिर आज। तो चलते चलते उसके बीच में कोई आके लेट गया शिवलिंग के बीच में। तो कहते गुरु जी ये तो शिव जी, कहते देखता सही आंटी, तो उसका साइज बड़ा होना शुरू हुआ। तो गुरु जी उस शिवलिंग के बीच में लेटे हुए थे। कहते गुरु जी, कहते आंटी जे मंदिर च जाके दुध चढ़ाना है कोई फायदा नहीं, रब तो इत्थे बैठा वै, मैं तो कमली इत्थे बैठा, दुध चढ़ाना तेरी मर्जी है, तू मेरे कोले आ गई तेनू दुध चढ़ाने की भी लोड़ नहीं हैगी, क्यों उत्थे भी मैं ही हाँ इत्थे भी मैं ही हाँ। कि रब दुध चढ़ा के कहते खुश होंगे, रब दुध चढ़ा के खुश नहीं होंगे, रब तो भाव तो खुश होंगे। हम लोग जैसे आज की डेट में बोलते हैं, गुरु जी हमेशा एक चीज बोलते थे, जरूरी नहीं है कि आप मुझे 56 भोग लगाओगे तब मैं खुश होऊंगा, मैं तो एक परौंठी बना के उसके ऊपर आम का अचार रख के मुझे दे दोगे मैं तो उससे भी खुश हो जाऊंगा। तो मैं अपनी एक छोटा सा इंसिडेंट सुना रहा हूँ, मेरे अहमदाबाद में था। तो एक कि गुरु जी आपकी हर एक एक पल सेकंड को देखते हैं। हम लोग बोलते हैं गुरु जी कौन सा हमें देखते हैं,
गुरुजी आपकी हर एक चीज़ देखते हैं। तो मैं अहमदाबाद में था तो एक दिन मैंने वाइफ को बोला ना मुझे ना कढ़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है यार, मुझे कढ़ी बनानी सिखा। क्योंकि मेरा कुक था हम लोगों का, वो बनाता था, पर वो जो पंजाबी कढ़ी है ना उसका टेस्ट एक अलग है, उसको पकाने में टाइम लगता है सब कुछ। मैंने वाइफ से सीखते सीखते अराउंड 6:30 बनानी शुरू की, 9:30 बज गए, तीन 3.5 घंटे उसको लग जाते हैं जो। तो हमारा कुक आया, उसने बना के अपना चावल वगैरह बनाए, उसने बोला सर मैं 10 मिनट में कढ़ी बना देता, आपने 3 घंटे ख़राब कर दिए। मैं कहा नहीं नहीं मुझे पंजाबी पक्के वाली कढ़ी खानी है। तो रात को 9:30 हमने कढ़ी बनी, सब कुछ हो गया, तो गुरुजी को भोग लगाने लगे। हम तीन लड़के रहते थे उस समय, दो गुरुजी को मानते थे, एक जैनी था वो भी, बट बाद में गुरुजी को मानना शुरू हो गया था। तो हमने भोग लगाया, अभी चलो गुरुजी को भोग लगाते, अभी थाली में डाल ही रहे हैं चावल और कढ़ी, इमिडिएटली गुरुजी का फ़ोन आता है, गुरुजी का फ़ोन आया रात को। इतनी रात को मैंने कभी गुरुजी का मुझे फ़ोन नहीं आया, मुझे मैक्स टू मैक्स 6:30 के बाद कभी गुरुजी का फ़ोन नहीं आया, एज एन एक्सेप्शनल कदे कोई बात हो बात अलग है, अब कभी नहीं आया। तो जैसे ही मैंने गुरुजी का फ़ोन आया, अभी इतनी रात को क्या प्रॉब्लम हो, जिनके क्या गलती क्या हो गई, कुछ हो गया। तो मैंने जैसे ही फ़ोन किया, हाँ, मैं कहा गुरुजी पहले कितने, मैं कहा गुरुजी लंगर हो गया, हम लोग बोल रहे हैं डिनर करना है, गुरुजी बोल रहे हैं लंगर होना है। तो ही से लंगर हो गया, मैं कहा नहीं गुरुजी बस भोग लगाने लगा था, मैंने ऐसे बोला गुरुजी भोग लगाने लग गया सी, जा तेरी कड़ी चावल ब्लेस करते थे, ऐश कर। तो ही सिटिंग इन एम्पायर स्टेट दिल्ली, वी आर सिटिंग इन अहमदाबाद, ही नोज इट कि मैं क्या भोग लगा रहा हूँ। तो बात वही है ना, ही से रब का बहुत भुखा होंगे, रब चीज़ों का भुखा नहीं होंगे, जहाँ कहें नरेंद्र तेरे कड़ी चावल ब्लैस किए, ऐश कर। तो गुरु जी की लीला गुरु जी ही जानते हैं। ऐसे ही 3 साल पहले जब मेरी जॉब गई, हम लोग लुधियाना गए, तो मेरे 25th हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी। अब नेचुरली वो 25 साल में तो एक ही बार आनी है, तो लेकिन जब आपके पास जॉब ना हो तो आपके लिए कोई फंक्शन मायने नहीं रखता, चाहे वो 25th एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो। क्यों, पैसा तो चाहिए, बिना पैसे क्या मनाओगे आप, चाहे 25th एनिवर्सरी है चाहे गोल्डन जुबली है। तो मैंने डिम्पल को बोला कि दिल्ली से नौकरी चली गई, अब तो यहाँ संगत को भी नहीं बुला सकते, इतनी संगत भी नहीं जानती, तो क्या मना के करना, छोड़ यार पैसे तो है नहीं। तो सर्दियों के दिन थे, फरवरी का दिन थे, 9 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी होती है। तो 8 फरवरी वाइफ ने मुझे उठाया, सुबह 4 बजे का टाइम होगा, तो हमें थोड़ा सा हवा आ रहा चाहिए, गेट खोल के सोए हुए थे, बट रजाइयाँ वगैरह लेके लेटे हुए थे। तो इमीडिएटली ये जब इसने मुझे उठाया तो जो पूरे कपड़े इसके पसीने से भीगे हुए थे, और ये इसकी ऐसे शिवरिंग हो रही थी पूरी बॉडी, और इसे बोला नहीं जा रहा था। मुझे ये था कि इसने जैसे ही मुझे उठाया तो ये लगा कि शायद हार्ट की प्रॉब्लम ना होगी, हो क्योंकि सर्दियों के दिन है फरवरी का, और पूरे कपड़े स्वेट हो चुके हैं। तो मैंने बोला अच्छा जल्दी एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। तो इसने बोला नहीं नहीं गुरु जी आए थे। तो मैं कहा नहीं हो क्या गया, मैं पानी पुनी दिया, आधा घंटा इसको नॉर्मलाइज करने में लगा। तो आज 4:30 तक हम लोग बैठे रहे, बातें करते रहे, नॉर्मलाइज हुई। देन मैं क्या हुआ क्या, कहते गुरु जी का ड्रीम चल रहा था, एक चेयर लगी हुई है, तो उस चेयर के ऊपर कोई संगत के बीच में से आंटी आती है, उस चेयर के बीच में ऊपर जाके बैठ जाती है। तो डिम्पल उसको बोलती है आंटी ये गुरु जी की चेयर है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। उन्होंने बोला मुझे क्या पता गुरु जी की चेयर है, वो उठ के खड़ी हुई, वो एक बच्चा आके बैठ गया, उस बच्चे को उठाया तो एक और अंकल आके बैठ गया, जो तीनों से लड़ रही है। उन्होंने बोला डिम्पल आंटी थोड़े जो मैं आ गई, तुसी अपने आप को ये समझते हो, हमने पता नहीं गुरु जी को कितना समझ लिया, हम लोग भी ऐसे ही समझने वाले हैं। अरे आप समझने वाले हो, मैं आपको कब मना कर रहा हूँ, पर ये गुरु जी की चेयर है, गुरु जी की चेयर के ऊपर नहीं बैठते। तो अभी लड़ ही रहे हैं, इमीडिएटली गुरु जी आते हैं, और गुरु जी आके आपे उस चेयर के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। तो डिम्पल ही माथा टेक कर कहते आंटी क्यों संगत ना लड़ी जानी है, कहते आंटी लोगों ने राम खिलौना जाना, कहते आंटी संगत ने मैनू खिलौना समझ के रखा गया है, मेरे हिसाब से कोई नहीं चलता, मुझे अपने हिसाब से दुनिया चलाती है, मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है, तुम्हें क्या पसंद है मेरे ऊपर वो थोप देते हो, मैं क्या खाना चाहता हूँ किसी को लेना देना नहीं, आपको क्या पसंद है आप मेरे ऊपर वो डाल देते हो। सेम शब्द, गुरु को क्या शब्द पसंद थे किसी को लेना देना, शब्द में भी मेरे को क्या शब्द पसंद है मैं वो प्लेलिस्ट चलाऊंगा, गुरु को कोई लेना देना नहीं है। गुरु जी की एक स्पेशल होती थी, 10 रागी होते थे तो एक रागी की गुरु शब्द सुनते थे, उनको अलग स्पेसिफिक एक शब्द होते थे कि इसी शब्द को सुना। तभी तो गुरु जी बोलते थे शब्द मतलब तुहानू गुरबाणी हुंदी है, गुरु दी बाणी हुंदी है। हम लोग अपने हिंदी गाने चला लिए, दूसरे चला दिए, बाकी चला दिए, 2 घंटे गुरु की गुरुबाणी नहीं सुन सकते हम लोग,
उसमें बहुत आंसर मिलते हैं हम सब। तो ही सेज आंटी एमिनी लड़ीदा हुंदा, लोगों ने राम खिलौना जाना, छड आंटी एमिनी लड़ीदा हुंदा। तो गुरु जी बैठे हैं, डिंपल बैठी है, मैं भी बैठा हूँ, तो थोड़ी सी संगत, वो पाँच सात जो लोग थे वो भी बैठे थे। इमीडिएटली एक एज आंटी आते हैं, 60-65 ईयर्स के होंगे, एक कप लेके आते हैं, कॉफ़ी मग, उसके बाहर हार्ट का निशान बना हुआ है, उसके बीच में क्या है, एक ब्रेड टोस्ट है, एक मट्ठी है, 10 रुपये हैं और 2 कॉइन हैं, 1-1 रुपये वाले 12 रुपये जिनके लाके उन्होंने गुरु जी को दिया। तो गुरु जी ने देखा और डिंपल को पकड़ा, ले आंटी डिंपल आंटी फड़ के रख। तो जैसे ही इन्होंने वो पकड़ के रखा तो गुरु जी उठे, गुरु जी उठ के कहीं चले गए। तो कोई अंकल बैठे थे हमारे साथ ही कि डिंपल आंटी इसमें से 1 रुपया मुझे दे दो, आपको तो गुरु जी ने बहुत सामान ब्लेस करके दिया हुआ है, तो इसमें से 1 रुपया मुझे ब्लेसिंग दे दो। वो कहती गुरु जी ने मुझे लाखों सामान दिए हूँ, लेकिन ये जो प्रसाद है ये तो गुरु जी ने मुझे अपने हाथ से पकड़ाया, और गुरु जी ने मुझे पकड़ने के लिए बोला है, बांटने के लिए नहीं बोला अभी भी कुछ भी। तो वो अभी कहते नहीं नहीं आंटी थोड़ा ईगो आ गई, तुसी पता नहीं आपने की समझ, क्या प्रसाद है किसी ने शेयर ना करी। तो गुरु जी ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि ये प्रसाद तेरे लिए, किसी को नहीं देना। तो मैं दूर बैठा हूँ, डिंपल पास बैठे, गुरु जी के चरण वगैरह दबा रही है। गुरु जी खड़े हुए और गुरु जी ने आके मुझे अपनी धोती के बीच में लपेट लिया, मेरे पास आके खड़े हो गए और मेरी पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने धोती लपेट दी, अपनी धोती मेरे ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर कर दी। तो डिंपल कहती मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो कितनी फ्रेगनेंस उनकी बॉडी से आ रही थी, इतनी फ्रेगनेंस जैसे हजारों शीशी हम जो संदल की खोल दें, इतनी फ्रेगनेंस उनकी बॉडी से आ रही थी। तो मैं देख रही हूँ, कहती उसके बाद गुरु जी ने उठाया, गुरु जी ने अपनी धोती खोली और धोती खोल के ऐसे फेंक दी। तो गुरु जी के पर्सनल ऑर्गन के ऊपर, इंद्री के ऊपर उन्होंने शिवलिंग के दर्शन करवाए, ग्रे कलर का शिवलिंग, इतना शिवलिंग है जो उनके पर्सनल ऑर्गन के ऊपर है। ले आंटी डिंपल आंटी दर्शन कर ला। उन्होंने उस शिवलिंग का नाम भी बताया, ये इसको ये शिवलिंग बोलते हैं। कहते आंटी हजारा साल की तपस्या के बाद इस शिवलिंग के दर्शन करवाना, मैं अज तेरी भक्ति का टाइम पूरा हो गया, अज मैं तुझे दर्शन करवा रहा हूँ इस शिवलिंग के। तो ये जैसी देखने लगी, ये देखते देखते बेहोश हो गई। तो गुरु जी के उस स्वरूप को देखना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये बेहोश होकर गिर गई, बेहोश होकर गई तो नीचे ले रोई जा रही है और देखी जा रही है, दर्शन करी जा रही है। कहते आंटी दर्शन कर ला, मुड़ के ये मौका नहीं मिलना हैगा, हजारा साल की तपस्या के बावजूद ये मौका नहीं मिलता जो तेनों अज मौका दे रहा मैं। तो ये फिर भी बेहोश होकर नीचे पड़ी है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो गुरु जी मुझे कहते नरेंद्र डिंपल दर्शन नहीं कर सकती। तो कहते आप बोल रहे हो गुरु जी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है आपके इस स्वरूप के दर्शन करने। तो गुरु जी डिंपल के पास आते हैं, ऐसे इसकी गर्दन के ऊपर ऐसे दो उंगलियां रखते हैं और इसकी सोल को निकाल के सचखंड ले जाते हैं। तो जहाँ पे सचखंड में लेके कहते आंटी ये मेरा धाम है, जिथे मैं रहना वा, इतने धरती पर मैं आना जाना रहना वा, ये मेरा असली धाम है जिथे मैं रहना, इत्थे वो संगत ने आना वै जिन्हों मैं सचखंड मोक्ष ब्लैस करता हूँ, उन्होंने इत्थे आना। तो वहाँ पे भी इसको वही दर्शन करवा रहे हैं, आंटी दर्शन कर ला। तो उसने बोला कि फिर वो बेहोश होके वहीं गिर गई। कहते डिंपल आंटी मुड़ के तेनों मौका नहीं मिलना, और जिसको मैं जहाँ लेके आता हूँ उसको एक बेटा जरूर ब्लैस करके देता हूँ। कहते गुरु जी मेरे एक ही बेटा है जो आपने दिया हुआ है, मुझे इसके ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बस उसी की एज लंबी रखना, हम सबको अपने चरणों में लगाए रखना। क्या गुरु जी चंगा नमस्ते जा ऐश कर आंटी कल्याण हो गया। तो आप ये ना सोचो कि गुरु जी कहीं चले गए हैं, गुरु जी तो हर वक्त हर पल हमारे साथ बैठे हैं। गुरु जी की चोला छोड़ने के 10 साल के बाद या 9 साल के बाद उन्होंने हमें उस रूप के दर्शन करवा दिए जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद मेरे ख्याल से मेरी वाइफ को 4 बार वो सचखंड के दर्शन करवा के लेके आ चुके हैं। आंटी ये मेरी जगह है, वहाँ पे सब लोग वाइटी वाइट कपड़े पहन के घूम रहे हैं, एक अलग दुनिया है, वो एक अलग वर्ल्ड ही अलग है जहाँ पे वो रहते हैं, तो हम उनको नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही गुरु जी का हर एक संगत को अपना बुलाने का तरीका है कि किसको बुलाना है, कब बुलाना है, कैसे कल्याण करना है, ये सिर्फ गुरु जी जानते हैं। तो ऐसे ही जुलाई का महीना आने वाला था, इनफैक्ट जून का महीना था, 2003 या 2004 की बात होगी, गुरु जी के पिताजी बीमार हुए। तो गुरु जी मुझे कहते नरेंद्र मैं लुधियाना में जॉब करता था, लुधियाना में ही रहता था। तो गुरु जी से नरेंद्र बापू जी बीमार हो गए, या तू दुबई चले जाया कर यार, हर रोज आया कर, डॉक्टर दुखा के लेके आ। मैंने कहा गुरुजी एक काम करता हूँ, मैं बापूजी को लेके लुधियाना आ जाता हूँ, वहाँ पे दिखा देता हूँ।
नहीं, मलेरकोटला ही दिखाना आप पढ़ने, वो नहीं कितने दिखाना, लुधियाने नहीं दिखाना, मलेरकोटले बढ़िया डॉक्टर लग। तो मैं वहाँ दुगरी पहुँचा, मैंने अपने फादर लॉ को मलेरकोटला फ़ोन किया कि किसको दिखाना है, क्या करना है। सब ने कहा डॉक्टर गुरविंदर है, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, सिविल हॉस्पिटल में है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत अच्छी हैं। तो वहाँ पे जाके आप उनको दिखाओ। हमने उनको स्पेशल वो लिया, यानी कि प्राइवेट में दिखाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में फीस दी और उनको दिखाने के लिए बोला कि ऐसे ऐसे ये हमारे गुरुजी के फादर हैं, प्लीज़ इनको ध्यान से देखना। उनके वर्ड मुझे अभी भी तक याद हैं, ही से आपके गुरु होंगे, मुझे क्या लेना देना। मेरे लिए तो पेशेंट है, मैं जैसे आम पेशेंट के लिए टाइम देखता हूँ वैसे मैं इनको टाइम दूंगा और प्रॉपर ढंग से चेक। उन्होंने अच्छी तरह चेक किया, सब कुछ किया। उन्होंने बोला कि ये टेस्ट करा लो, क्या दो टेस्ट, ECG करवानी थी, एक दो टेस्ट और थे कि मैं देखते हैं क्या है क्या नहीं। मेडिसिन लिख दी, तो हम लोग गांव लेके आ गए, टेस्ट वगैरह करवा दिए बापू जी को। जैसे गांव पहुंचे, गुरु जी कहते नरेंद्र हम तो दुगरी रुकया कर, दुगरी से लुधियाना जॉब करने जाए और अक्षय और डिम्पल दुगरी में बापू जी के दिन में सेवा करेंगे, तो शाम को आ जाया कर। तो हम लोग ऐसे ही चलते रहे। गुरु जी कहते की कहना डॉक्टर, गुरु जी ऐसे ऐसे टेस्ट कराने के लिए बोला है वगैरह वगैरह। कोई कहना ठीक है कराओ, सारे टेस्ट कराओ। तो अब गुरु जी का बर्थडे आने वाला है, जब गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है तो आपको एक दिन में होता है कि गुरु जी का बर्थडे तो आना है। तो मैंने 4-5 तारीख को गुरु जी का फ़ोन आया, मैं कहा गुरु जी अगर आप बोलो तो मैं 7 जुलाई को दिल्ली आ जाऊँ। ठीक से की करना दिल्ली आके कमला, गुरु के प्यो देना बैठा, तू गुरु के जन्म स्थान पर बैठा जिथे मेरा जन्म होया, तू उत्थे बैठा वा, तू दुख दिल्ली आके करना, तू वहाँ बापू जी ने आके सैलीब्रेशन कर, इस तो वधिया तेनों मौका होर कितने मिलना है, ब्लैसिंग तेनों कितने मिलनिया ने, गुरु के जन्म स्थान पर तेनों रह के तू गुरु का जन्मदिन मना रहे। फिर भी एक मन में होता है नहीं यार गुरु जी सामने बैठे हों तो ठीक है। अब गुरु जी का हुक्म सिर माथे पे, तो 6 तारीख की रात को 12:30 बजे दुगरी में लैंडलाइन पे फ़ोन आया। तो मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, कहते नरेंद्र कल आए कर, तुम तिन्ने आ जाओ दिल्ली बर्थडे थे। तो जैसे ही हम लोग फिर दिल्ली पहुँचे, उसके बाद बापू जी ठीक हो गए, मैं लुधियाना चला गया। तो थोड़े दिन के बाद गुरु जी मुझे कहते नरेंद्र डॉक्टर साहब को जाके सत्संग सुना के आ। मैंने बोला गुरु जी वो आपको नहीं मानते, ही से तू अपना काम कर, मैं अपना काम करना, गुरुआ की गल टोकी जा नहीं होंगे, यस सर करी जाता है, इसे ऑलवेज है यस सर। तो मैं कही गुरु जी यस सर तो ठीक है, पर वो जो मानेगा मैं उसी को तो कुछ करूँगा ना। वो नहीं मानता, कह तू 1 घंटा जाके सत्संग सुना के आ डॉक्टर, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करना। कहते कहें संगत का कल्याण भी करना होंगे अपने। तो ऐसे ही हम लोग, मैं फिर मैंने अपने फादर लॉ को फ़ोन किया, अपने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब तो हाथ ना रखने दे। मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब 1 घंटे की मुझे आपसे परमिशन चाहिए, गुरु जी का ऐसे ऐसे सत्संग करना है। कहा जी मैं आपको क्यों दूं, मुझे आपके गुरु से क्या लेना देना है, मैंने तो कुछ लेना देना नहीं उनसे, और मैं नहीं मेरे पास। उन्होंने डॉक्टर साहब एक काम करो, आप 1 घंटे में कितने पेशेंट देखते हो, 5, 6, 7 पर हेड कितने पैसे लगते हैं, हम आपको पैसे दे देंगे। कहते जी पैसों की बात ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं पेशेंट देखूंगा फ्री में पैसे क्यों लूँ। ही सो जेंटल गाय। और फिर मैंने गुरुजी को बोला, फिर कर करा के फाइनली 8-10 लोगों की वहाँ मलेरकोटला से सिफारिश लगाई, सब कुछ किया था। नहीं सर ठीक है, मैं 2 बजे वहाँ से आता हूँ सिविल हॉस्पिटल से, आधा घंटा रेस्ट करता हूँ, 2:30 बजे डिनर लंच करता हूँ, फिर 4 बजे पेशेंट को देखना शुरू करता हूँ रेस्ट करके 1.5 घंटा, क्योंकि शाम को मुझे फिर ड्यूटी पर जाना होता सिविल हॉस्पिटल। तो मैंने कहा ठीक है जी, कहता 3 से 4 आप आ जाओ, मैं एक दिन रेस्ट नहीं करूँगा लेकिन आप 3 से 4 आ जाओ। मैं कहा ठीक है। हम लोग मेरे ख्याल से 2:15 हम लोग उनके घर के बाहर जाके बैठ गए। जुलाई में जो मर्जी लगा लो, आज इस समय मौसम थोड़ा चेंज है, अदरवाइज जुलाई में भी गर्मी होती है। तो हम उनके घर के बाहर 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, उन्होंने पानी का गिलास तक भी नहीं हमसे पूछा, पानी तो पी लो कम से कम, पानी भी नहीं पूछा उन्होंने हमसे। तो हम वेट करते, 3 बजे उन्होंने अपने रूम का गेट खोला, अंदर गए, तो मैंने गुरु जी के सत्संग सुनाने शुरू कर दिए। मैंने आधा घंटा सत्संग सुनाया होगा, देन ही सेज नरेंद्र जी एक चीज़ बोलूँ, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं होती। आने वाले टाइम में जिसको आप भगवान बोलते हो, सुपर नेचुरल पावर बोलते हो, 50 साल, 100 साल, 150 साल बाद सारा कुछ साइंस के अंडर आ जाएगा, क्योंकि साइंस मेडिकल इतना तरक्की कर रही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, आपने मेरे 10 मिनट ख़राब कर दिए। और उन्होंने 10 मिनट मेरी बात टोकी। मैं कहा गुरु जी डॉक्टर साहब मुझे 1 घंटा पूरे देख के सत्संग सुनाना है आपको, उससे पहले नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने बंद किया, इन बड़ी चाय आ गई, थोड़ा सा खाने को आ गया, चाय पी, 4:15 हमें हो गए, धनी से अब आपको जाना होगा, मेरे पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं। नेचुरली पेशेंट की लाइन लग चुकी थी।
तो चला गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, हम लोग ऑक्ट्राई पोस्ट पे मलेरकोटला के पहुंचे, गुरुजी का फोन आ गया। गुरुजी का फोन सुनाया या? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। ही रिपीट वन बाई वन सत्संग जो मैंने डॉक्टर साहब को सुनाए थे। नरेंद्र तू आ नहीं सुनाया, नरेंद्र तू आ नहीं सुनाया, नरेंद्र तूने ये नहीं सुनाया। मैं कहा गुरु जी 1 घंटे के बीच में जितना मैं कवर कर सकता था मैंने उतना सुना दिया। तो कहते डॉक्टर साहब उस दिन मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और एक कंट्री और थी, उसमें लाइट फेलियर हुई थी 24 से 36 आवर या 48 आवर के लिए। तो गुरु जी डॉक्टर को सत्संग अभी कर, ये आज जो कल फेलियर हुआ था ये मैंने आज से 22 साल पहले चंडीगढ़ में गोल्फ क्लब में बोल दिया था उसने कि ये मॉडर्न कंट्री हैं, अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, इनके लाइट जाएगी, फेलियर होगी 24 आवर और 48 आवर के लिए, और इनके पास कोई बैकअप भी नहीं होगा। तो मैंने डॉक्टर साहब सत्संग सुना, अच्छा तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, वो ना उठाए फ़ोन, तो कर करा के कहते फिर फोन आ गया। सुन डॉक्टर साहब दस्या, मैं कहा गुरु जी वो फ़ोन नहीं उठा रहे, सत्संग सुनाई डॉक्टर साहब ने, आज था लेटेस्ट सत्संग सुनाई। गुरु जी को होता था लेटेस्ट सत्संग जो आज बीती है ना वो सुनाओ ही, तभी तो बोलते जिस तन लागे सो तन जाने, पहले अपने साथ जो बीतती है ना वो सुनाओ। तो दूसरों का सत्संग तो दुनिया सुनाती है, अपने सत्संग सुनाने सीखो। तो मैं उसके बाद मैं वापस आ गया, एक हफ्ते मेरी जलंधर में पोस्टिंग थी। तो अगले दिन गुरुजी का फिर फोन आ गया, मैंने कितने, मैं कहा गुरुजी जलंधर, डॉक्टर लेके दिल्ली आओ। अब जो डॉक्टर नहीं मानता, जो संगत नहीं मानती, उसको आप कैसे लेके चले जाओगे। मैं कहा गुरु जी वो आपको नहीं मानते, वो मुश्किल है उनका आना, ही से तू गल नहीं टोकनी, तू जाके डॉक्टर लेके आना, तेरी ड्यूटी यही है बस। ठीक है जी, ठीक है गुरु जी। फ़ोन करा कर थक गए, डॉक्टर को बोल दिया, कहता जी मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप 3 1 दिन की बात कर रहे हो, मेरे पास 2 घंटे नहीं है मलेरकोटला से बाहर जाने के, मेरे इतने पेशेंट हैं और मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता। चलते चलते फिर भी हमने कभी कुछ, एक दिन फाइनली उनका मुझे फ़ोन आया 1 हफ्ते के बाद, नरेंद्र जी आपके गुरु कहाँ रहते हैं दिल्ली में। मैं डॉक्टर साहब क्या हो गया, मेरी 3 दिन की ना ट्रेनिंग है, कुछ हमारी कन्वर्सेशन है या कुछ और है, एम्स के बीच में है, आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं, ये नहीं कि गुरुजी कहाँ रहते हैं, आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उनके पास जाऊँगा। अब गुरु की लीला तो गुरु है, वो कहते हैं शुरू भी करने वाला मैं ही हूँ और ख़त्म भी करने वाला मैं ही हूँ। तो अब मैंने आई एम सो हैप्पी कि चलो 3 दिनों में 1 दिन भी टाइम लग गया, 1 घंटा भी लग गया, गुरु जी का वचन भी पूरे होने हैं, ये चला जाएगा। तो गुरु जी का फ़ोन आया मेरे को, तो मैंने गुरु जी से बात की, मैं गुरु जी ऐसे ऐसे डॉक्टर आ रहे हैं, आना ही सी उन्हें, आना ही है उन्हें, आपा कल्याण करना होता, तू लेके आ। आज जिस दिन उनको लेके आना था, फ्राइडे सैटरडे संडे की उनकी वो मीटिंग जो भी थी, तो उस दिन फ्राइडे को मेरे बॉस ने जलंधर आना था। तो मैंने कहा गुरु जी मेरा आना मुश्किल है, मैं सैटरडे को लेके आ जाऊँ। नहीं, डॉक्टर नु फ्राइडे नु लेके आना है। मैं गुरु जी फ्राइडे मेरा आना मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं है, मैं किसी और की ड्यूटी लगाता हूँ। तो गुरु जी ने मलेरकोटला में किसी की ड्यूटी लगाई, वो लेके पहुँच गए, तू कल पहुँच जी सैटरडे को। तो हम लोग गए, तो जैसे सिंगला अंकल से बात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि गुरु जी ने ऐसा कोई हेड ऑफ़ अ डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा दिल्ली के हॉस्पिटल्स का, एम्स से लेके गंगाराम क्या, मैक्स क्या, बाकी जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं, हेड ऑफ़ अ डिपार्टमेंट सबसे सत्संग गुरु जी उनको डॉक्टर साहब को कराया, जो हाई कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के एडवोकेट बड़े बड़े लोग हैं, सबसे गुरु जी ने उनको सत्संग करवाया। तो जब मुझे पता लगा, मैं यही बोल रहा था कि कई बार क्या होता है जब नई संगत आती है उसको कि लिमिट में डोज देनी चाहिए, क्योंकि उसको धीरे धीरे गुरु का बताओगे ना, अगर आप सारा कुछ एक ही बार में बहा दोगे तो उनको क्या लगेगा कि यार ये पता नहीं अपने गुरु से मुझे क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, इनको पता नहीं क्या मेरे से बेनिफिट है। तो मैं कहा गुरु जी ज़्यादा डोज ना दे दी हो, डॉक्टर साहब भाग ना जाए। और देखो गुरु जी की लीला, उनकी 3 दिन की जो ट्रेनिंग थी वो यहाँ पे आते कैंसिल हो गई। जैसे दिल्ली में आए मैसेज आ गया कि आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग कैंसिल है, बट आपके होटल्स वगैरह सब कुछ एज इट इज़ बुक हैं। तो गुरु जी ने उनको 1 दिन के लिए बड़े मंदिर में रोका। तो हम लोग सैटरडे को पहुँचे, तो सैटरडे को डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब को भेज दिया गुरु जी ने। तो रात को 1:30 से 2 बजे का टाइम होगा, हम लोग एम्पायर सेट में थे, हार्डली मेरे ख्याल 7 8 लोग ही थे, क्योंकि हम लोग बड़े मंदिर में गेस्ट हाउस में रुकते थे। तो 1:30 2 बजे मुझे गुरु जी ने अपने पास बुलाया, कहते नरेंद्र कल डॉक्टर ने फ़ोन करी देने, पूछी किमें लग गया, ठीक लग गया गुरुआ का टेस्ट, तो ठीक है गुरु जी मैं कर लूँगा। पूछी बेटी का की हाल चाल है, कुड़ी का की हाल चाल है, तो
अब गुरुजी बार बार एक ही चीज़ को फोर्स कर रहे थे, कुछ कुड़ी दा की हाल चाल है, कुड़ी दा की हाल चाल है। तो मैंने भी फाइनली पूछ लिया गुरु से, गुरु जी बेटी को कुछ प्रॉब्लम थी, बेटी ठीक है उनकी, इसे कुड़ी मेंटल सी होती पर ठीक करती कुछ फ़ोन करके। तो कहते जब फ़ोन करेंगा सिद्धी ना इट, कहते वो मत्थे च मारी डॉक्टर दे। तो मतलब अच्छी तरह समझाना भी था कि धीरे धीरे बात करना डॉक्टर से कि बेटी का क्या हाल चाल है। मैं कहा हाँ जी ठीक है जी। कहते कई बार लोगों को पिंच भी कर जाते हैं, जो आम कोई चीज़ बोलते हैं तो कई बार पिंच कर जाती है कि मुझे क्यों बोला। तो प्यार नाल सब को गल करके मैंने नेक्स्ट दिन उनको दोपहर में फ़ोन किया, मैं क्या बातें करता रहा, गुरुजी कैसे लगा, उन्होंने बहुत अच्छा लगा, ये किया वो, उससे मिलवाया उससे मिलवाया। मैंने फिर बार बार पूछा, मैं डॉक्टर साहब बेटी कैसी है, बेटी की तबीयत कैसी है। धनी से जब मैंने चार बार में पूछ लिया, धनी से कि नरेंद्र जी एक चीज़ बताओ बेटी के बारे में क्यों बार बार पूछ लिया। मैं डॉक्टर साहब मैं सीधा पूछ लेता हूँ, फिर आपकी बेटी बीमार थी, आपकी बेटी मेंटल थी, अब कैसी तबीयत है, अरे आपको कैसे पता मेरी बेटी मेंटल थी, मेंटल डिसऑर्डर थी। ऐसा हाँ या ना, कहते बिल्कुल थी। आपको कैसे पता, अब ये बताओ उसकी तबीयत अब कैसी है। धनी से जब कल से वापस आई है वो 70% क्योर है, एक विजिट गुरुजी ने उनको क्योर कर दिया। फिर तो मैंने उनसे वही बात किया, हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ किसी गांव में पोस्टिंग ले लें ताकि हम अपने बच्चे की टेक केयर कर सकें। तो मैं जब मेरी दिन में बात हुई तब सिंगला अंकल ने बताया कि गुरुजी डेस्क के ऊपर बैठे हुए थे और सामने को सत्संग सुना रहा था, और गुरुजी उठे और उस लड़की बच्चे के आसपास दो चक्कर निकाल के गुरुजी अपने रूम में चले गए। वो दो चक्कर निकाल के गुरुजी ने पूरे का पूरा उनका मेंटल डिसऑर्डर ख़त्म कर दिया। तो इससे बड़ा तो गुरु कभी कुछ कर ही नहीं सकता, ये गुरुजी हैं जो कर सकते हैं, वो वही करते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ही से गुरु पे विश्वास करना सीखो कि गुरु क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। हम लोग गुरु से हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को मांगने के लिए खुश होते हैं कि ये चीज़ कर दो वो चीज़ कर दो। गुरु से मैं तो वो चीज़ें करने लिए बैठा जो सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे ही गुरु जी ने एक बार हमारे घर के लुधियाना घर के बाहर ना मिट्टी के कुछ निशान लगे हुए थे, मेरी मदर ने उनको निशानों को हाथ के निशान थे मिट्टी के उनको साफ़ कर दिया। पंजाब में गर्मियों का दिन होता है तो घर के बाहर ना पानी का छिड़काव कर देता है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो जैसे उन्होंने इनफैक्ट उन्होंने जाना था, मेरी वाइफ ने ज़बरदस्ती उनको बोला कि आप एक काम करो आप नैना देवी चले जाओ। कोई नैना देवी जा रहे थे एक बस में, उन्होंने बोला मम्मा आप चले जाओ। नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली उन्होंने भेजा। तो शाम को जैसे ही घर साफ करने लगी दो मिट्टी के निशान लगे हुए थे हाथ, तो इसने बोला पता नहीं कौन बच्चा हाथों का निशान लगा गया मिट्टी के, सारा घर खराब हो गया। तो इसने उसको साफ़ किया तो एक दिन दो दिन तीन दिन के बाद इसके फिंगर्स में पेन होना शुरू हो गया। पेन होते होते एक दिन दो दिन तीन दिन तो हाथ में पेन होना शुरू हो गया, एक हफ्ते 10 दिन के बाद पूरी बाजू में होने लग गया, तो 10 से 12 दिन के बाद इसको पैरालाइज हो गया। इसके हाथ टर्न हो गए, इसके दांत उतर गए, एक साइड से फेस टर्न होना शुरू हो गया, लेग्स टर्न हो गई। हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला आप एक काम करो आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लो इससे पहले कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए। तो मेरी नेक्स्ट डे मंडे का दिन था शायद, मेरी कोर्ट में डेट लगी हुई थी और मुझे उस डेट पे पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जैसे ही उस डेट पे मैं वापस आया, जब सब जानते थे वो भी गुरुजी के भगत थे, अटेंडेंस लगा के वापस निकलने लगा तो देखता हूँ वाइफ का फ़ोन आया हुआ है। मैंने उसको बोला नहीं नहीं मैं चलने लगा हूँ, क्योंकि आपकी वाइफ को फैमिली को होता है कि हम मैं यहाँ पे पैरालाइज के उस पे बैठी हूँ और इनको जॉब का पड़ा हुआ है, अगर मुझे पैरालाइज हो गया तो जॉब को क्या करोगे आप। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसी बात हुई तो उसने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ आप आराम से आना। मैं कहा नहीं नहीं तो गुस्सा ना कर मैं आ रहा हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ से पहुँचा तो मैं इसको बेड पे छोड़ के गया था, एक 10 दिन से जो बेड से नहीं हिल रही थी। मैं और मेरी मदर इसको वॉशरूम तक लेके जाते थे, इतनी हालत कंडीशन इसकी ख़राब थी। जब मैं गया तो ये चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, तो मैं कह यार ये सब कुछ क्या हो गया। कहते कुछ नहीं मैं ऐसी लेटी हुई थी तो सामने गुरुजी की फ़ोटोग्राफ लगी हुई थी। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे ना मेरिया फोटो ना गल्ला करके देखो थोनू हर एक चीज़ आंसर मिलूगा, थानू जरूरी नहीं हैगा मेरे को ले आऊँगे तू होना, मेरिया फोटो ने बैठे गल्ला का करो, मेरिया फोटो बोल दिया ने, मेरिया फोटो आंसर दिंदियां ने, लेकिन सिर्फ यहाँ से आपका बहुत देखते हैं कि आप किस श्रद्धा से गुरु को याद करते हो, किस श्रद्धा से गुरु को बुलाते हो। तो कहते मैं ऐसी दो बार बोला तो गुरुजी आप तो बोलते हो जो मेरी शरण में आ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो गई। कहती मैंने दो बार गुरुजी को फोर्सफुली बोला है तो थर्ड टाइम
गुरुजी मेरे पास खड़े थे, मेरे बेड के पास खड़े हैं। गुरुजी दोपहर का टाइम था और गुरुजी एम्पायर सेट बैठे थे और इसके पास भी खड़े। को गुरुजी को तो बेअंत रूप है उनके, तो एक रूप तो है नहीं। जैसे इस बाजे लेटी हुई है तो गुरुजी कहते डिम्पल साइड पे हो बैठिए, मैं ही बैठा। तो गुरुजी मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा। तो गुरुजी ने इस इसकी बॉडी को पूरा उठाया और साइड किया और कोने के ऊपर बैठ गए। एक लेग नीचे है, एक लेग ऊपर है और करके बैठे हुए हैं। तो हंसले कहते डिम्पल ये पैरालाइज तेरे ते मैं पाया गया है, किसी तेनों कोई पैरालाइज नहीं होया। कहते हाँ जी गुरु जी। कहते तेरी सस की डैथ लिखी हुई सी तेरी मदर इन लॉ की। कहते जे पूर्ण गुरु दे हुंदे भगत की माँ को कुछ हो जाए, कहते ऐसे गुरु नू की करना फिर, जो आनी है उदो सब ने जाना है। कहते लेकिन जे बेमौत मर जाए, कहते फिर ऐसे गुरु का की करना, जो अपने गुरु पर विश्वास रखो। कहता भी मेरा गुरु जरूरी नहीं है, फैमिली का एक बंदा भी गुरु को आता वै तो पूरी फैमिली ब्लैस होंगी है। कहते जी मेरे होंगे तेरी माँ को कुछ हो, तेरी मदर इन लॉ को कुछ हो जाता, कहते की फायदा फिर ऐसे गुरु का। कहते वो डैथ टालन पिछे मैं उन नैना देवी भेजिया, उन्होंने मैं नैना देवी मैं भेजिया, तू नहीं भेजी, वह गई नहीं, मैं भेजिया फोर्सफुली, वो उतों गई, तू और मिट्टी टच किया, मैं पैरलाइज तेरते पाता। कहते आंटी अपा लोग कहने भोग असी उस टाइम तो गुरु जी ने प्रसाद लाते लंगर प्रसाद लाते, तीन चपातियां रखते, एक मेरी, एक मेरे बेटे की, एक एक मेरे एक डिंपल दी, असी भोग लाना। फिर गुरु जी ने कहा कहते आंटी जड़ा मैंने भोग ला के दिलाती सी ना, वो जड़ी तेरी सत्त की डैथ सी, वो किसी ने ब्लैक मैजिक किया तेरी सत्त नू मारन लई, उहनू टालन पिछे मैं तेरे पैरालाइज पाता। कहते तेरी फोटो दे विच, कहते मैं फोटो राही आके तेन भोग खा के जाता सी और तू सारे दिन एको चपाती खाती सी और उही चपाती राही मैं तेरे पेट के जाता सी आंटी, तेनों ब्लैस करने पिछे तेनों जो मर्जी ठीक कर दिता। कहते लेकिन मैनू भी टाइम देना पैंदा हर एक चीज़। कहते मैं जो चीज़ में हूँ एड्डी बड़ी चीज़ में मौत में टालता तो मैं पैरालाइज में टाइम दूंगा ना थोड़ा टाइम। कहते मैं देता, कहते आंटी जो मर्जी ठीक कर दे, पैरालाइज तो अपने हाथों नहीं खेलना नहीं, पर जो मर्जी ठीक कर दी। गुरु जी ने आए हाथ अपना किया और मेरी वाइफ की बाजू के उत्ते लगाना शुरू करता। जो भी बाजू तो लगाया, लै आंटी घुमा, तो गुरु जी नहीं, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं है। गुरु जी ने फिर आए हाथ किया, फिर आए घुमाया, तो मूवमेंट शुरू होगी। तो ही उन्होंने एक्सरसाइज कराई, दोनों बाहां हिला के, बॉडी हिला के, लैग्स की एक्सरसाइज कराई। फिर कहते आंटी काम करी, फोटो घोल घोल, फोटो घोल, अपनी सस नू बुला, कॉलेज फोटो पानी पा के फोटो घोल के सारे घर छिट्टा दे, उन्होंने कह जि तेरे गुरु दियाँ फोटोआं बोल दियां ने, तेरे गुरुआं दियाँ फोटोआं दे विच्चों अमृत निकल, जिथे जिथे छिट्टे गिरनगे उत्थे उत्थों नैगटिविटी बहर हो जाएगी। कहते मेरी फोटोआं दे पानी दे विच इन्नी पावर है, तुहानूं की पता, तुसीं लोग सोचते हो जल प्रसाद है, कहते ये जल प्रसाद कितनी पावर है तुसीं सोच भी नहीं सकते। जदों ही मेरी मम्मी ने मदर ने जाके सारे घर छिट्टे देना शुरू किया, उस गेट के उत्ते वो जो हाथ के निशान बने से उत्थे आके ड्रॉप गिरे, वो ब्राउन कलर तो रैड कलर हो गया, उस तो बाद वो डिसपीयर हो गया, तो उस तो बाद नॉर्मल हो गई। तो फिर गुरु कहते देख ला, फिर कहते कोई कर सकता है, असी वो करके दिखाई जाए जो कोई नहीं करता, असी वो करके दिखाई जाए। मेरी अगर जिंदगी की लाइफ ब्लैस करने की गल करा, मेरी पूरी फैमिली चाहे वो मेरे पेरेंट्स से, गुरु जी हंसते होंगे सी, कहते नरेंद्र तेरे कुलों दुलों ब्लैस करतियाँ, तेरे सहरिया दियाँ तेरे तेरिया अपन भी सत सत कुलों ब्लैस करती, कहते तेरे मैंने मैंने तेरे सारियाँ। कहते पूर्ण गुरु यही सब कुछ करता होंगे। तो इस रोटी मैंने एक संत आए साढ़े घर लुधियाने, वो संत ने आके मेरी मदर ने दसिया भी थोड़े इन्ने मदर ने, इन्ने 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 भरा ने, इन्ने भैन ने। मेरी मदर ने उन्होंने टैसट करने पिछे कहा, उन्होंने कहा कि तेरे दो बेटे ने, बड़े बेटे की डैथ हो जानी चाहिए, यानी कि मेरी डैथ हो जानी चाहिए है। उन्होंने कहा नहीं जी मेरे दो बेटे ने, एक बेटी भी है। वो कहते मेरी मदर ने उन्होंने टैस्ट किया, उन्होंने हसन लग, कहते माता महापुरशां दे एग्जाम नहीं लईदे हुंदे, तेरे दो ही मुंडे ने और बड़े बेटे की डैथ हो जानी चाहिए, तेरा बड़ा बेटा जिंदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने नहीं, मेरा बड़ा बेटा भी जिंदा वै और ऑफिस गया वै, वो बेटा भी है। इन बिटवीन मेरी वाइफ आ गई, कहते आ देखो वाइफ है, तो इनू ये गले च लॉकेट पाया हुआ सी और उपर शॉल लिता हुआ सी। कहते बेटी तू जिन्हू मन दी है वो हर वक्त तेरे अंग संग रहा वै, हर वक्त तेरे नाल रहा है। तो मेरी मदर ने पूरी गल दसी, तो मेरी वाइफ कहती बाबा जी जे वो मेरे अंग संग रहा तो मेरे हसबेंड की बाल भी बांका नहीं हो सकता, उसकी लाइफ ना कोई छू भी नहीं सकता। तो हसन लग गए, कहते देख यदि डिसाइड ली, उन्होंने कहा पानी पानी पीने देते, उन्होंने पानी पीने देता। कहते देख पुत्र एक तेनों डेढ़ दख दस के जा रहे हैं, वो नवंबर से गुरु नानक देव जी का बर्थडे से, उस दिन 25 या 24 नवंबर से या दिसंबर से गुरु नानक देव जी का बर्थडे कई बार साल च दो बार आ जाता वै, और नवंबर नवंबर के मेरे ख्याल
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਲ ਵਿਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਦਈਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਈਓ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗੀ। ਉਹ ਡੇਟ ਚਲੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਡੈਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਲਿਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਡਰੀਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਾਈਫ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਡਿੰਪਲ ਵੀ ਉੱਠ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਰੀਮ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਡਰੀਮ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਾਟ ਕਾਲੀ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਾਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਟ ਕਟਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਟ ਖੁਦ ਕੱਟ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਾਲੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਛੜੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਮੈਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹੱਥ 'ਤੇ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਹੱਥ 'ਤੇ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਿੰਪਲ ਕਾਲੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੜੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋਧ ਨੇ ਮਰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬਟ ਇਹਨੇ ਛੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਡਰੀਮ 'ਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਲ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਉਹ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਲੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ, 5 ਮਿੰਟ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਰਟਨ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚਿਓਂ ਕਾਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨੀਚਿਓਂ ਰੈੱਡ ਚੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਚੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।